हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आप आज का व्लॉग देखो और बताओ कैसा लगा आपको व्लॉग। बाकी आप नीचे लाल बटन आ रहा है, नीचे लाल बटन पर सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो, जिससे आपको नए व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आप कमेंट करके बता दिया करो, सजेशंस दे दिया करो थोड़ा बहुत, कि आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद है, किस टाइप की वीडियोस मैं शो करूं। तो बाकी कंटिन्यू करता हूं व्लॉग और आपको मिलता हूं जिम में। तो भाई आज करने वाले हैं चेस्ट का व्लॉग, जो भी वर्कआउट करेंगे आपको दिखाएंगे। बाकी मेनली 5 या 6 एक्सरसाइज होंगी। फिलहाल वार्म अप करते हैं पुशअप से। पुशअप्स के 3 सेट्स मार रहे हैं और आर्म्स को सही से खोल लेना है पहले, उसके बाद ही मेन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। तो चलो करते हैं पुशअप्स और उसके बाद दिखाते हैं मेन एक्सरसाइज। तो दोस्तों, पुशअप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर अपर बॉडी डेवलपमेंट। तो ये मैं रोज करता हूँ पुशअप्स, इसके 3 सेट लिए हैं। इसके बाद फिर हमने किया है फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच में वेट अपने अकॉर्डिंग रखना है, कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। और अगर हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो तो एक पीछे पार्टनर जरूर खड़ा कर लें। इसके भी मैंने 4 सेट लिए हैं, रैप्स वेट के अकॉर्डिंग रहेंगे। फ्लैट बेंच के बाद फिर हमने की इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन बेंच के भी हमने 4 सेट किए हैं। इंक्लाइन बेंच के बाद फिर हमने किया है केबल क्रॉस। केबल क्रॉस में मैंने लिए हैं 2 वेरिएशंस, दोनों वेरिएशंस इस वीडियो में दिखा रखे हैं। बाकी केबल क्रॉस में जितनी बार भी चेस्ट की एक्सरसाइज करता हूँ, केबल क्रॉस जरूर इंक्लूड करता हूँ। केबल क्रॉस के बाद फिर हमने लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर अपर चेस्ट ग्रोथ। इंक्लाइन डंबल के बाद फिर मैंने लिया एक फ्लाई मूवमेंट, जो कि है फ्लैट डंबल फ्लाई। इसकी जगह मैं बटरफ्लाई भी लेता हूँ कभी कभी, लेकिन आज मैंने फ्लैट डंबल फ्लाई लिया है। बस यही थी जो चेस्ट की एक्सरसाइजेस थी। तो दोस्तों, चेस्ट का वर्कआउट अपना कंप्लीट हो गया है। कुल मिला के 5 एक्सरसाइज किए हैं, फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, केबल क्रॉस में 3 वेरिएशन, 2 वेरिएशन और अपना डंबल प्रेस, इंक्लाइन और फ्लैट डंबल फ्लाई। बाकी चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट है, थोड़ी कार्डियो बनेंगे उसके बाद घर जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। तो भाई अंकित, कैसा फील हो रहा है चेस्ट के वर्कआउट के बाद? बहुत अच्छा वर्कआउट भाई, काफ़ी तगड़ा पंप आ रहा है। अंकित के साथ आज पहली बार मुझे वर्कआउट करने में मज़ा आया है। वैसे अंकित भाई बहुत अच्छा वर्कआउट पार्टनर है, मतलब एक आदमी को मोटिवेट करने के लिए जो लो मूवमेंट्स होती हैं, जहाँ पे वेट पुल नहीं होता वहाँ एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए अंकित को मैं अपने साथ रखता हूँ हमेशा। तो दोस्तों, फिलहाल पहुँच गए हैं स्विमिंग पूल। बाकी चेतन अपने साथ आया था, चेतन अंदर चला गया। तो भाई चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आज काफ़ी गर्मी हो रही है आज वैसे, तो भाई आपको मिलवाते हैं कुछ दोस्तों से भी और चलो चलते हैं अंदर। तो भाई ये है सागर, ये आकाश है, काम करता है, ये गौरव जाट मालिक हैं, इनसे तो आप पहले भी जानते होंगे गौरव को। तो गौरव हेलो कर दे भाई। हेलो। गौरव की अभी और बात बताएंगे बाद में। अरे भाई ये यहाँ का गौरव का असिस्टेंट है, मतलब पीए कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। बाकी ये सागर है और अंदर चलते हैं। भाई ये रहा स्विमिंग पूल अपना, एक बार पहले भी आपको दिखाया था मैंने यहाँ के, बाकी आज भी खाली है। हम ये है भाई, क्या नाम है तेरा? कट कर दे, उसका नाम है कट कर दे, कट। तो चलते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, काफी गर्मी हो रही है आज, दिखाते हैं जो भी मस्ती करते हैं, काफी दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं। पूल में ये अपने हुकुम भाई हैं, ये हुकुम भाई का छोटा भाई है। नहीं, ये है छोटा भाई।
भाई बहुत बहुत सिर फूटता दे रहा अभी बहुत बहुत क्लोथ गिरा इसके दीवार के तो दोस्तों फिलहाल पूल में कोई नहीं है, मैं और चेतना दोनों बस। काफी मजा आ रहा है भाई, देख लो ऊपर मौसम भाई एक नंबर हो रहा है बिल्कुल। तो गर्मियों में भाई यही है अपना एंजॉय करने का, मजा आ रहा चेतन फुल भाई एक नंबर। तो भाई फोन जो है वाटरप्रूफ नहीं है, नहीं तो अंडर वाटर शॉट्स भी दिखाते दिखा तो दूंगा वैसे, लेकिन फिर आगे के व्लॉग्स नहीं आने के हैं। चलो ठीक है दोस्तों, थोड़ा एंजॉय करते हैं और फिर घर चलते हैं। सो हेलो गाइस, भाई बज रहे रात के 8 और फिलहाल मुझे जाना है एक पार्टी में। पार्टी बोले तो मतलब गांव में से एक दावत आई है, शादी है किसी की, तो भाई जाना जरूरी है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना और अपने सजेशंस जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।